हेलो स्टूडेंट, टुडे वी विल लर्न नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। अदर मैन एंड वुमेन आल्सो हेल्प्ड, दूसरे आदमी और औरत उनकी मदद करते थे। टुगेदर दे टिल द सॉइल, एक साथ मिलकर वे खेत जोतते थे, सोड बीज बोते थे, इरीगेट सिंचाई करते थे एंड हार्वेस्ट द क्रॉप और फसल काटते थे। अर्ली मैन हैड ए गुड लाइफ नाउ, आदि मानव का जीवन अब बहुत अच्छा था। ही हैड शेल्टर, उनके पास घर था, फूड खाना था, क्लॉथ कपड़े थे, डोमेस्टिक एनिमल पालतू जानवर एंड हिज ऑन फूड और अपना भोजन था। ही डिड नॉट फील द नीड टू वंडर एनीमोर, अब उन्हें इधर उधर घूमने अपनी आवश्यकताओं के लिए इधर उधर नहीं घूमना था। मैन नाउ डिसाइडेड, आदमी ने अब डिसाइड किया टू मेक ए परमानेंट होम नियर हिज क्रॉप्स, कि अपनी फसल के पास ही अपना घर बनाएंगे। विलेज लाइफ, ग्रामीण जीवन। इन दोज डे, इन दिनों द अर्ली मैन हैड टू सो क्रॉप्स, आदि मानव फसल बोते थे नियर रिवर, नदी के किनारे। सो दैट, ऐसा इसलिए ही कुड नॉट हैव टू वॉक मच टू गेट वाटर टू इरीगेट हिज क्रॉप, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा पानी लेकर फसलों की सिंचाई के लिए नहीं चल सकते थे। दिस वॉज वाई द फर्स्ट होम वेयर बिल्ट नियर रिवर, ऐसा इसलिए उन्होंने अपना पहला घर नदी के किनारे बनाया। द अर्ली मैन एज ए सोशल बींग, आदि मानव एक सामाजिक जीव है। द अर्ली होम स्टार्टेड टू इनक्रीज, आदि मानव के घर अब बढ़ने लगे इन नंबर संख्याओं में। एज मोर एंड मोर, बहुत अधिक। अर्ली मैन एंड वुमेन बिगन टू लिव टुगेदर, अब आदि मानव और औरतें एक साथ मिलकर रहने लगे। थस द फर्स्ट विलेज वर बोर्न, इस प्रकार पहले गांव का जन्म हुआ। द हाउस इन दिस अर्ली विलेजेस वर मेड ऑफ क्ले मड फूड ग्रास एंड लीव, आदि मानव का जो पहला घर था वह मिट्टी का, लकड़ी, घास फूस और पत्तियों का बना हुआ था। द अर्ली मैन एज ए ट्रेवलर, आदि मानव एक यात्री। एज द विलेज बिकम बिगर, जैसे जैसे गांव बड़े होने लगे इन साइज एंड नंबर, साइज में और संख्या में। द अर्ली मैन वांटेड टू ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो आदि मानव चाहते थे कि वह एक जगह से दूसरी जगह पर घूमें। ऑन फूट, मैनी ऑफ मैन रिलेटिव एंड फ्रेंड्स लिव इन अदर विलेजेस, बहुत से आदमी, उनके रिश्तेदार और दोस्त दूसरे गांव में रहते थे। टू मीट देम, उनसे मिलने के लिए द अर्ली मैन स्टार्टेड टू ट्रेवल ऑन फूट, तो आदि मानव ने पैदल चलना शुरू किया। बट ही रिलाइड, लेकिन उन्हें एहसास हुआ दैट इट वॉज वेरी ट्रिकी, कि वह बहुत ज़्यादा थक जाते हैं एंड डिफ़िकल्ट टू ट्रेवल इन कोल्ड हॉट एंड रेनी वेदर, और बहुत ठंड, गर्मी और बारिश में यात्रा करना बहुत कठिन होता है। ही थॉट ओवर व्हाट टू डू, अब वह सोचने लगे कि वह क्या करें, एंड कम अप विद द सॉल्यूशन, कि कोई उपाय किया जाए। ही बिगन यूजिंग हिज टेम एनिमल टू कैरी हिम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, अब वह अपने आप अपने पालतू जानवरों के ऊपर बैठकर एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे।